माय डियर स्टूडेंट, बात ऐसी है कि एक बुनियादी लिमिट का एक क्वेश्चन है ये। इसको मैंने थ्योरम के अंदाज में लिख दिया कि लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, यानी आइडेंटिटी फंक्शन जो है ना, कौन सा फंक्शन? आइडेंटिटी फंक्शन। आप देखो कैलकुलस तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, कैलकुलस में आप एक फंक्शन से मुतारिफ हैं और उस फंक्शन का नाम है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि इसमें आप जो भी इनपुट करोगे वही आउटपुट आता है वापस, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये आइडेंटिटी फंक्शन है जेड। अब हमें प्रूव ये करना है कि यार इसका क्या सबूत है। आप जब लिमिट तलाश करते हो तो आप इसमें वन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हो, इसका प्रूफ क्या है कि इसको रिप्लेस करो वन से। तो बेसिकली इसका प्रूफ है कि आप जेड में डायरेक्टली इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इसके डायरेक्ट वैल्यू के बराबर है। मैं उर्दू में बता रहा हूँ साफ ताकि आपको बात समझ आ जाए। हम इस बात को प्रूफ करना है कि अगर जेड आपके पास है तो इसमें आप क्यों लिमिट डायरेक्ट इंपोर्ट करते हो, तो लिमिटिंग वैल्यू बराबर है डायरेक्ट वैल्यू के, इसका क्या सबूत है। तो हम इसकी गरज से जो है जो डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन है उसको बरूए कार लाएंगे। किसको बरूए कार लाएंगे? डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन को। आप देखेंगे ये हथियार जो ये वेपन है मैकेनिज्म, उसको कैसे हम यूज करते हैं, उसको प्रूफ करते हैं इंशाल्लाह, और है बहुत आसान। बच्चों आप इस तरह करने के प्रूफ में आसान है इसका इंशाल्लाह प्रूफ में इस तरह कर लें कि ये आपका चूंकि मेन फंक्शन है, ठीक है, तो आप इसको कह दें जेड एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड, इसको अपने एफ ऑफ जेड कह दिया। अच्छा, अब डेल्टा एप्सिलॉन की वजह से आप इसको लिमिट को प्रूफ करना चाहते हो तो उसके लिए आप इस तरह कर लें कि कंसिडर फंक्शन माइनस द लिमिट, इस मॉडल को आप कंसिडर कर लें, ठीक है। अच्छा, नाउ एफ ऑफ जेड माइनस, नाउ लेट एफ ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन, इसके एप्सिलॉन से लेस है, क्या लेना है इसको एप्सिलॉन से लेस है। सर इसका क्या मतलब एप्सिलॉन से लेस लेने, इसका मतलब क्या है? असल में देखो बात ऐसी है कि आपने देखो ये आपका सपोज जेड नॉट है, वो फिक्स नंबर है और ये आउटपुट है आ रही है इसकी तरफ, आउटपुट आ रही है, तो हमने कहा कि ये इतने करीब हो सकते, सवाल ये निशान है ये कितने करीब, आर्बिट्रेरीली जितना हम चाहे उतना, अब एक सवाल ये निशान लग गया, अब इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्या इतने करीब हो सकते हैं। नाउ लेट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, कि हम इसको सपोज आर्बिट्रेरीली अगर इसका हमें इसके मुताबिक हमें इनपुटें मिल गई, हाँ तो कर सकते हो, अगर आप इनपुटें इस दायरे से लो तो बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब हमने इसको देखो एक दायरे में बंद कर दिया आउटपुट को, उसके मुताबिक अगर इनपुटें मिल जाए आपका रिजल्ट डेल्टा एप्सिलॉन से प्रूव हो जाएगा, और मैं बात उर्दू में कह रहा हूं, देखो उर्दू में कह रहा हूं, अच्छा ताकि इंग्लिश उसमें ना आए बीच में। अच्छा, नाउ लेट दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, आई एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जेड की, थैंक यू सो मच फॉर दैट, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन क्योंकि एफ ऑफ जेड को मैंने रिप्लेस किया। अच्छा, अब देखो इस जुमले को मैं इस तरह लिखता हूं, देखो और फरमाएं, एफ ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन, जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि अब देखो क्योंकि ये तो एक ही जुमले है ना, एक ही बात है, ये एप्सिलॉन से कब कम होगा, जब ये है, या ये कम होगा जब ये है। देखो सर मैंने इस जुमले को दो दफे सारे लिख लिया, This is the epsilon, whenever z minus z naught is less than epsilon. हाँ, अच्छा, अब इस epsilon को क्या कहें, let कर लें इसको, नाम से रख लें, डमी वेरिएबल है इसको डेल्टा कह दें, जिससे डमी वेरिएबल का मतलब है जिसको आप डमी मीन पुतला, जिसको आप बदल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो अब आप देखो और देखो ये तर्जुमानी है किस बात की, हाँ जब आप जितना आप एफ ऑफ जेड और जेड नॉट के बीच में फासला कम करना चाहो आप कर सको, जब आप सिंपली जेड और जेड नॉट को क्लोज करो, तो इसका तो मतलब ये है कि तर्जुमा है इस बात का कि लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, एफ ऑफ जेड बेसिकली आपका क्या है, जेड है, प्रूफ हो गया।
इसका मतलब ये, वैसे इसका मतलब अब क्या है, इसका इसका मतलब ये है कि अगर आप आइडेंटिटी फंक्शन यानी वेरिएबल आपके पास हो तो वेरिएबल आप डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हो और अपना जवाब निकाल सकते हो। सर आप इसको यूज करें ना जवाब निकालने, कोई एग्जांपल इस पर कर लें, मैं अब इस पर भी एग्जांपल कर लेता हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। सपोज मैं कॉम्प्लेक्स नंबर तलाश करना चाहता हूँ, 1 प्लस आयोटा जेड प्लस 2, इसका लिमिट का सर कैसे निकालेंगे, एक एक स्टेप का प्रूफ होना चाहिए। अब मैं इक्वेलिटी लगाता हूँ, इक्वेलिटी मैंने देखो लिमिट मैंने जुदाई अप्लाई की, और इस पर सर जुदा जुदा क्यों अप्लाई की, इक्वल आपने क्यों किस हक से, क्योंकि पिछला हमने थ्योरम प्रूव किया था कि आपके पास दो फंक्शन है तो आप लिमिट जुदा जुदा अप्लाई कर सकते हो, तो उसकी बुनियाद पर पिछले थ्योरम की बुनियाद पर यह कदम हमने उठाया। अच्छा आगे कदम ये थ्योरम यूज करेंगे कि आपके पास अगर z फंक्शन है तो उसमें डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो इसमें डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट सर क्यों, क्योंकि हमारे पास थ्योरम है, ये इक्वेलिटी मैंने उसकी बुनियाद पर लगा दी, तो इसकी जगह पर प्लस होगा। अच्छा अब ये थ्योरम मैंने प्रूव नहीं किया, देखो ये वाला थ्योरम, ये थ्योरम मैंने प्रूव नहीं किया, यहाँ पर क्या जाएगा 2, उसकी वजह ये है कि ये तो ये कहावत जो थ्योरम हम प्रूव करने जा रहे वो है लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट c इज इक्वल टू c, कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही है। अब इसको मैंने प्रूफ नहीं किया मगर वो प्रूफ अभी मैं करना चाहूंगा, उसकी यूज आ गया, तो कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही है, तो इससे हमारे पास क्या जाएगा 3 प्लस आयोटा। अब इसका सर क्या प्रूफ है कि कांस्टेंट का लिमिट कांस्टेंट ही है, मैथ्स प्रूफ चाहती है क्योंकि ये यूज होती है मशीनों में, ड्रोन्स में, रोबोट्स में, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग सारी चीजों में यूज होती है, ठीक है, बड़े बड़े लैब्स में, इंग्लैंड में और जर्मनी में मुख्तलिफ लैब में। अच्छा ये हो गया बच्चों, तो अभी अगर आपका कोई सवाल है देखो तुम मुझसे पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन। सिर्फ इस थ्योरम का जो प्रूफ है ना वो है बहुत खूबसूरत, मगर आप उसको जिस तरह एक बार मुझे जो मेरे जहन में क्लियर है उस तरह वो आपको क्लियर हो जाए तो लाइक एक लेवल देखो क्लियर हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, याद करने से बंदा बच जाता है, नोट्स को देखने की जरूरत नहीं होती, प्रिपेयर होता है पेपर के लिए। अच्छा सो हाउ टू प्रूव दैट लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट c इज इक्वल टू c, अब इसका प्रूफ जरा देखने चलते हैं, बहुत खूबसूरत है। अच्छा इस फंक्शन को आपके में f(z) फंक्शन है ना, फंक्शन माइनस द लिमिट कंसीडर कर लिया, क्योंकि डेल्टा एप्सिलॉन से आप इसको प्रूव करना चाहते हो, उस हथियार से आप इसको प्रूव करना चाहते हो इस लिमिट को, तो उसके लिए हाँ उसके लिए आप फंक्शन माइनस द लिमिट मॉडुलस कंसीडर कर लें, और हमारा टारगेट क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन और डेल्टा लाना होगा बस। अच्छा अब हमने ये कंसिडर किया, अच्छा थोड़ी सी कैलकुलेशन जो कि हम नॉर्मली करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें, एफ ऑफ जेड आपके पास किसके बराबर है, ठीक है अच्छा, और ये किसके जीरो मॉडुलस, और जीरो मॉडुलस है जीरो, ठीक है। अच्छा अब और फरमाए जरा, अब प्लीज एक एक स्टेप आपको समझाना चाहता हूं, एफ ऑफ जेड माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, और ये एप्सिलॉन से किसी भी एप्सिलॉन से, एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन व्हाट इज एप्सिलॉन सर, एप्सिलॉन जो है ना आपके मन में जो भी पॉजिटिव नंबर है, डजंट मैटर हाउ लार्ज इट इज एंड डजंट मैटर हाउ स्मॉल इज इट, कोई भी तुम्हारे मन का एप्सिलॉन जो भी तुम्हें नंबर पॉजिटिव पसंद हो फिट रहे, समझ आए ना, जीरो से बड़ा, हाँ तो ये देखो ये तो इस चीज का जवाब हमारे पास क्या आता है, और ये एप्सिलॉन से लेस है फॉर ऑल जेड। अब बात मजे की आ गई, एफ ऑफ जेड माइनस सी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल जेड, मैं इसको जरा समझाना चाहता हूं इस स्टेप को, एफ ऑफ जेड माइनस सी इज लेस देन एप्सिलॉन, मैंने ये लिख लिया फॉर ऑल जेड, सर इसका क्या मतलब है, आपने ये लिख लिया फॉर ऑल जेड इसका सब मतलब बता दे जरा, इसका मतलब ये है बच्चों मुझे ये बताएं, ये आपका फंक्शन जो है कौन सा फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, फंक्शन आपका कांस्टेंट है, सी है, फंक्शन आपका कांस्टेंट है,
और लिमिट भी आपका क्या है वही कांस्टेंट है, तो इस फंक्शन में z के डिफरेंट वैल्यूज पुट कर उसका एक ही जवाब होगा c c c c c, फंक्शन भी कांस्टेंट लिमिट भी कांस्टेंट। अब देखो z की डिफरेंट वैल्यूज आप पुट कर रहे हो एक ही जवाब आता है c c c c, सो फॉर ऑल z इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जो भी z आप पुट करोगे फंक्शन में, जो भी z पुट करोगे फंक्शन में, जो भी z पुट करोगे जवाब एक ही होगा c, और उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा जीरो। अब आप सर अच्छा मगर सर सर हम इसको देखो हमें क्या लाना क्या होगा और गौर फरमाए सर मेरी बात सुनिए प्लीज सर मेरी बात सुनिए, ये आपका जो है ना ये रेंज ये डोमेन, ये आपका हुआ रेंज बच्चों, ये आपका हुआ डोमेन ठीक है। अच्छा आपके आउटपुट जो है आपके आपकी को आउटपुट आपके एक यही आ रही है तमाम जेडों के लिए, तमाम जेडों के लिए दोनों का डिफरेंस क्या रहा है, तमाम जेडों के लिए डिफरेंस क्या रहा है जीरो आ रहा है। अच्छा अब मुझे सवाल का जवाब चाहिए आप लोगों से चाहिए, अगर एक इनइक्वालिटी, अगर एक इनइक्वालिटी तमाम के लिए सच है कासम तमाम के लिए क्या है सच है, तो अगर मैं एक इसमें से एक छोटा सा इलाका ले लूं एक बात पूरे पाकिस्तान के लिए सच है, तो अगर पाकिस्तान में एक छोटा सा इलाका ले लूं वो पूरे इलाके के लिए सच होगा ना, अगर मैं एक छोटा सा इलाका ले लूं और वो जेड नॉट का नेबरहुड हो, जेड नॉट का क्या हो हाँ, तो ये बात उसके लिए भी सच होगी कि नहीं हाँ ठीक है। अब देखो प्लीज बी विद मी एफ ऑफ जेड माइनस सी इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर जेड माइनस जेड नॉट इज लेस देन हाँ नेबरहुड ले लिया, अगर एक बात एक इनइक्वालिटी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के लिए सारे इनपुटों के लिए सच है वो एक छोटे से इलाके के लिए भी जो जेड नॉट के अगर मैं एक दायरा लगा दूं जेड नॉट मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया आर्बिट्ररी, तो ये वो बात उसके लिए भी सच होगी, उसके लिए भी क्या होगी सच होगी, और इसे मैं इस तरह लिख सकता हूं लिमिट के डेफिनेशन के लिए सेट हो गया, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू थैंक यू। तो ये नोट्स में आपके लिए सामने आता तो मैंने उस चीज को कंसेप्ट को देखो एक्सप्लेन करके बता दिया, मैं उसको एक दफा रिवाइज इस बात को करना चाह रहा हूँ वो कैसे बच्चों इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी इसकी, लेट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सी हमारे पास जो है कांस्टेंट फंक्शन है और हमें प्रूफ ये करना है कि कांस्टेंट फंक्शन का जो लिमिट है वो कांस्टेंट है, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन का मैकेनिज्म और हथियार वो हम यूज करना चाह रहे हैं और वो जो टूल है लिमिट डेल्टा एप्सिलॉन का ठीक है, तो इसलिए हमने किया फंक्शन माइनस द लिमिट मॉडुलस को कंसीडर किया, अब फंक्शन माइनस लिमिट जो है ये हमारे पास बराबर है सी माइनस सी के, सी माइनस सी से जीरो आ गया, मगर अब देखो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये है कि आउटपुट एक ही पॉइंट पर मरकूज है, एक ही पॉइंट पर मरकूज है, तो फंक्शन और टारगेट का डिफरेंस जीरो ही आ रहा है, और जो कि लिस्ट नहीं अब सलाम लिस्ट नहीं अब सलाम फॉर ऑल जेड, हर इनपुटों के लिए इनइक्वालिटी सच है, हर इनपुटों के लिए इनइक्वालिटी सच है, अगर हर के लिए सच है तो छोटा सा अगर आप इलाका उसमें ले मुतय्यन कर रहे हैं और मैंने एक जेड नॉट का एक दायरा नेबरहुड ले लिया, ये नेबरहुड की डेफिनेशन है जेड माइनस जेड नॉट इज लेस जेड डेल्टा, ये किस चीज की डेफिनेशन नेबरहुड की, मैंने छोटा सा इलाका ले लिया ये अंदरूनी पॉइंट इसके जो है, तो मैंने कहा ये बात फिर उसके लिए भी सच होगी और ये कुछ भी नहीं लिमिटल की डेफिनेशन है डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन उसके लिए सेट होगी, हो गया प्रूफ ठीक है, ये पार्ट आपका हो गया बहुत आसान था हमारे पास आसानी के लिए कह रहा हूँ। अच्छा अब हमारे पास बच्चों जो दूसरा थ्योरम आया है तीसरा थ्योरम है वो ये है कि लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट सी जेड, यानी कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ वेरिएबल, तो आप कांस्टेंट को साइड पर करके लिमिट मेन वेरिएबल पर अप्लाई कर सकते हो, अब इसका प्रूफ क्या है और यूज क्या है, यूज तो आसान है बच्चों, यूज किस तरह आसान है मैं सिर्फ एक मिसाल देना चाहता हूं, लिमिट जेड अप्रोचेस टू वन प्लस आयोटा थ्री जेड, अब थ्री आप क्या कर लें बच्चों थ्री साइड पर लिख लें लिमिट जेड अप्रोचेस टू वन प्लस आयोटा जेड, ये स्टेप आपने क्यों लिया उसकी वजह क्या है उसका सबूत क्या है, तो उसका सबूत ये थ्योरम है जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं, मैथमेटिक्स का हर स्टेप में एक प्रूफ होता है, आप जो स्टेप इक्वल लगाते हो ना उसके लॉजिकल होता है उसके लिए कोई थ्योरम होता है, और आप लोग का काम ये आप लोग आपसे लोग यही डिमांड करेंगे भाई मेरे लिए थ्योरम प्रूफ करो, और मैथमेटिशियन का क्या काम होगा प्रूविंग हाँ थ्योरम थ्योरम
big mathematician, they may be working in big labs. Yes. They may be working in robotics. They may be working in medical site. What I am going to tell you, this is true. But they have to do like उसको अपनी बात को मनवाने के लिए ना थ्योरम का सहारा करो ले लो थ्योरम के जरिए अपनी बात को मनवाए तो उसकी ज्यादा खूबसूरती है और जो आसान नहीं है ठीक है लैब्स में बड़े बड़े लैब्स में फिजिक्स वाले और मैथ्स वाले और इलेक्ट्रिक ये सारे बराबर हो जाते हैं समझ आई ना अच्छा चलिए खैर मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आई एम गोइंग टू कंक्लूड द क्लास इसको जल्दी जल्दी प्रूव करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स बहुत आसान है इसको भाई अभी साहब क्या कहते हैं कांस्टेंट हां कांस्टेंट है नहीं नहीं डेल्टा एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू सी जेड इसको फंक्शन का यस ठीक है अच्छा इसमें केस नंबर 1 ये कांस्टेंट जो है इसका नाम जीरो ले लेते हैं क्या लेते हैं नॉन जीरो अच्छा केस नंबर 1 कंसीडर फंक्शन माइनस द टारगेट consider function minus the target now थोड़ी सी calculation कर लें ये मेरा मशवरा है ये हमेशा आप लोगों के लिए फिर आसानी होगी जब भी आप ये consider करें थोड़ी सी calculation कर लिया करें मैं अभी दूसरा सवाल है जिसमें मैं ये तरीका डाउट कर रहा हूँ consider करके थोड़ी सी calculation कर लें ये इसके tricks हैं function की value क्या है constant multiple variable ठीक है और c z ना very easy That's fine. अच्छा अब आप C को constant उसको बाहर शाबाश और उस पर मारो जैसा है वजह क्या है ये constant complex constant भी हो सकता है और ये real constant भी हो सकता है अगर ये real constant हो तो modulus absolute में बदल जाएगा और अगर ये complex constant हो तो वो modulus ही रहेगा exactly और यहाँ से आपके पास आ जाएगा z minus z naught ठीक है अच्छा अब हम ये कर रहे हैं कि इसको अब देखो अप्सिलॉन के दायरे में बंद करना है किस में बंद करना है हाँ अप्सिलॉन के दायरे में बंद करना तो चलिए इसको अप्सिलॉन के दायरे में कंसेप्ट के साथ बंद कर लें ताकि हमें वो क्लियर हो और फरमाएं देखिए मैं दायरा लगा देता हूँ ये आपका हो गया सी जेड नॉट ये आपका वो फंक्शन है सी जेड हमने किया कि हम इसको आर्बिट्रेरीली क्लोज कर सकते हैं जितना हम चाहें कर सकते हैं अब ये सवाल या निशान हमने लगा दिया आज कि हमने सच में इसको क्लोज कर दिया मगर सवाल या निशान है ये तो नाउ एफ ऑफ जेड माइनस सी जेड नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन नदीम आबिद 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 वेनम आप मुझे बताएं दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन वेनम दिस इज बिकॉज दोनों बराबर है ना ये एप्सिलॉन से तभी कम होगा जब हाँ ये कम होगा ना ये क्वांटिटी हाँ तो सी मॉड्यूलस क्योंकि दोनों बराबर हैं नहीं 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 मैं नहीं 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 हाँ हाँ आप दिदा ठीक कह रहे हो वेरी गुड अब मैं ये कह रहा हूँ कि अब देखो ये दोनों बराबर हैं अब जब दोनों हाँ हाँ ना हाँ 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 एग्जैक्टली अगर ये कम होगा तो भी बराबर है ये भी कम होगा यस शाबाश ओके सो आगे क्या है आगे जो है this means that f of z minus c z naught is less than epsilon हाँ बराबर c को हम वहाँ शिफ्ट कर देंगे हाँ क्योंकि अभी तो वो नॉन जीरो है जब नॉन जीरो है तो वहाँ जाकर मसला नहीं करेगा डिनोमिनेटर वेरी गुड तो ये epsilon डिनोमिनेटर में c आएगा अब इसको तुम डेल्टा कह दो हाँ लेट्स से डेल्टा शाबाश क्योंकि ये डमी वेरिएबल है नंबर डॉट बाय नंबर इज अगेन नंबर ठीक है ओके सो लिमिट के डेफिनेशन में आ गया तो ये आ गया लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट जेड अप्रोचेस टू एफ ऑफ जेड अप्रोचेस टू ये इक्वल है मगर समझ अप्रोच एफ ऑफ जेड अप्रोचेस टू सी जेड नॉट मगर एफ ऑफ जेड आपके पास क्या था सी जेड और इसका दूसरा मतलब यही है कि सी जेड नॉट असल में जेड नॉट गिवन था कि वो हम इसको प्रूफ कर चुके हैं जेड नॉट इज एक्चुअली लिमिट ऑफ जेड प्रूफ कर चुके हैं तो इससे हमें क्लियर हो गया कि कांस्टेंट हो वेरिएबल हो तो आप लिमिट को डायरेक्टली जाकर वेरिएबल पर अप्लाई कर सकते हो कांस्टेंट को साइड पर कर सकते हो इसका मतलब ये
ठीक है।